हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में फिजिकल एजुकेशन कम्पिटेटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सीएलटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यानी इस वीडियो में खो खो से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको यहाँ पे रखा गया है। यह सीरीज नंबर 82 है। एंड दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे एमसीक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर का दिया जाता है, जिससे आप प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? अचूकता यानी एक्यूरेसी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो पोल यानी पोस्ट की जमीन की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? जो खो खो में पोल लगा होता है, तो 120 से 125, 1.20 से 1.25 मीटर, ठीक है, या इसको 125, 120 से 125 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड दोस्तों, जैसे कि खो खो का मेजरमेंट्स जो है पुराना से नया में बदल गया है। जैसे कि पहले खो खो ग्राउंड का मेजरमेंट लंबाई चौड़ाई जो है 29 गुणे 16 मीटर था, बट इस समय 27 गुणे 16 मीटर हो गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। एंड जूनियर बॉयज गर्ल्स के लिए पहले 25 गुणे 14 था, तो अब 23 गुणे 14 मीटर हो गया है। ठीक है, एंड फ्री जोन 1.50 मीटर हो गया है उसकी चौड़ाई, एंड पहले 2.75 था। एंड पोस्ट लाइन से प्रथम क्रॉस लाइन जो होता है वो 2.50 हो गया है। ठीक है, पोस्ट लाइन से प्रथम क्रॉस लाइन जो है वो 2.55 हो गया है, 2.55 मीटर। ठीक है, एंड एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस की दूरी 2.30, ये पहले से ही था। एंड सेंटर लाइन एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 24 मीटर गुणे 30 मीटर हो गया है, पहले 23.50 मीटर था एक पोस्ट पोल से दूसरे पोल की दूरी। एंड दोस्तों, जो सीटिंग ब्लॉक होता है सेंटर लाइन पर वो 35 गुणे 30 सेंटीमीटर का। एंड क्रॉस लेन की लंबाई गुणे चौड़ाई 16 गुणे 35 सेंटीमीटर का। एंड लॉबी 1.5 मीटर का। एंड सब्स्टिट्यूशन जोन जो है 1 गुणे 1 मीटर का। पोल की ऊंचाई यानी हाइट जमीन से ग्राउंड से 120 से 125 सेंटीमीटर। पोल का डायमीटर 9 से 10 सेंटीमीटर। मार्किंग लाइन होता है खो खो में 2 से 4 सेंटीमीटर। एंड दोस्तों, इसका टाइमिंग जो है वो पहले था, इसमें चार दो इनिंग्स होता है। फर्स्ट इनिंग्स 5 9 5 9 यानी 9 9 मीटर के 4 क्वार्टर्स होते हैं, और इसमें प्रथम और द्वितीय क्वार्टर्स के बीच 5 मिनट का मध्यांतर यानी फर्स्ट इनिंग, और उसके बाद मध्यांतर 9 मिनट का होता है। फिर दूसरा इनिंग्स में 2 क्वार्टर्स होता है 9 9 मिनट के, और बीच में 5 मिनट का मध्यांतर पहले होता था, बट अब 9 9 मिनट के 4 क्वार्टर्स तो है ही, बट इसमें जो फर्स्ट इनिंग्स में 9 9 मिनट के 2 क्वार्टर हैं उसके बीच में 3 मिनट का मध्यांतर, उसके बाद एक इनिंग्स पूरा होने पर इंटरवल जो होता है वो 6 मिनट का, और फिर एक इंटरवल के बाद दूसरा इनिंग्स 9 3 9 का होता है। ठीक है, ए चेंज हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो के खेल में एक खंभे से दूसरे खंभे तक की मानक दूरी होती है, तो कितना होता है मानक दूरी? उस समय के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है 23.50 मीटर, बट अब इस समय के अकॉर्डिंग 24 मीटर होगा। नेक्स्ट है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1960 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों, इसकी स्थापना इसी वर्ष प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन हुआ था, एंड महिला का राष्ट्रीय
राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1961 में, यानी कि ये पूछेगा दोस्तों कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 1960, एंड खो खो की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन कब हुआ था, तो 1960 में ही, ठीक है। एंड ये पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला का कब हुआ था, तो 1961 में। नेक्स्ट है, खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो इस चारों ऑप्शन में किसको प्राप्त हुआ है, फड़के गोपाल पुरुषोत्तम को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार अब तक केवल एक बार वर्ष 2000 में फड़के गोपाल पुरुषोत्तम को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, खो खो टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 9 खिलाड़ी मैदान में रहते हैं और 3 स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अन्य मेजरमेंट्स तो मैं बता ही दी कि इसमें लाबियों सहित कुल क्षेत्र 30x26 मीटर होता है, यानी कि लाबी की लंबाई चौड़ाई कितना होता है, लाबी की 1.5x16 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 1.5 मीटर, चारों तरफ लाबी जो होता है मैदान के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा लॉबी होता है, यानी लाबियों सहित कुल लंबाई 30x26 मीटर हो जाएगा, और क्रीड़ा क्षेत्र यानी कोर्ट की लंबाई गुणे चौड़ाई 27x16 मीटर, ठीक है। एंड फ्री जोन 2.2, फ्री जोन कितना होगा, फ्री जोन 1.50 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें कितने क्रॉस लेन होते हैं दोस्तों, 8, और वर्ग का जो आकार होता है वो 30x30 सेंटीमीटर का होता है दोस्तों। इसमें वर्गों में बैठने वाले खिलाड़ी को चेजर कहा जाता है, और जो चेजर के विरोधी को रनर कहा जाता है। इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, 2 इनिंग्स होते हैं, 9 मिनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खो खो खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है इस टाइम के अकॉर्डिंग, 27x16, तो कितना होगा, 27 मीटर लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है, जो स्वतंत्र क्षेत्र होता है उस समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2.75 था, 2.75 मीटर, तो इस आश्रम में उतना 2.75 ही सही होगा, बट इस समय के अकॉर्डिंग 1.50 मीटर हो गया है उसकी चौड़ाई। नेक्स्ट है, खो खो में एक पारी की समय अवधि कितनी होती है, तो एक पारी कितने, 4 पारी होते हैं, एक पारी कितना का होता है, 9 मिनट का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, खो खो के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 खेलने वाले, 3 स्थानापन्न खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं दोस्तों, तो 8 क्रॉस लेन होते हैं जिसमें चेजर बैठते हैं। नेक्स्ट है कि खो खो में की व्यवस्था के लिए अंपायर होना चाहिए, कितने अंपायर होते हैं खो खो में, 2 अंपायर होते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों खो खो में 6 अधिकारी होते हैं, जिसमें से 1 रेफरी, 2 अंपायर, 1 टाइम कीपर, 2 स्कोरर होते हैं, ठीक है, 2 स्कोरर होते हैं। एंड दोस्तों कबड्डी में भी 2 अंपायर होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, खेल खो खो में खो शब्द का क्या अर्थ है, तो खो शब्द का क्या अर्थ है कि जाओ और पीछा करो, जाओ और पीछा करो, ठीक है। नेक्स्ट है, उस खेल का नाम बताइए जिसके मैदान को पूर्व पश्चिम की ओर चिन्हित किया जाता है, तो कौन सा खेल है दोस्तों, खो खो है, खो खो के अलावा सभी खेल उत्तर दक्षिण दिशा में बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय हुआ, तो भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय हुआ दोस्तों, ये महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसा कि दोस्तों भारत में खो खो महाराष्ट्र में लोकप्रिय है, खो खो एक भारतीय खेल है, इस खेल की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, इस खेल की प्रसिद्धि एवं विकास का संबंध महाराष्ट्र में अखाड़ों व व्यायामशालाओं के विकास से हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसके लिए कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बड़ौदा के द्वारा इस खेल को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया, तो किसके द्वारा आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बड़ौदा के द्वारा। एंड दोस्तों अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल की स्थापना 1928 में हुई, जिसने इस खेल के विकास को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। एंड दोस्तों दक्कन जिमखाना ने पुणे में एक सभा का आयोजन किया जिसमें खो खो के नियम बनाए गए। एंड दोस्तों वर्ष 1960 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। एंड खो खो का क्रीड़ा क्षेत्र आयताकार होता है, ठीक है,
जिसका माप कितना होता है 27 गुणे 16 इस समय के अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग 29 गुणे 16, ठीक है। नेक्स्ट है खो खो खेल की समय सीमा कितनी होती है, तो खो खो खेल की समय सीमा कितनी होती है दोस्तों, पहले के अकॉर्डिंग 9:59, फिर 9 मिनट का मध्यांतर, फिर 9:59, यानी 2 इनिंग्स होते हैं और 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। 2 क्वार्टर्स के बाद मध्यांतर 9 मिनट का होता है, तो वैसे तो दोस्तों 9 चौक 36 यानी कि 36 मिनट का समय सीमा होता है, बट इसमें कुल दिया है ऑप्शन में तो कुल जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, ठीक है। और आज के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो 5:39:39 फिर 6 मिनट का इंटरवल, फिर 9:39:39 9 चौक 36 ऐसे हो गया, 3:36 यानी कि कुल 48 मिनट हो जाएगा, बट यहाँ पे उस समय के अकॉर्डिंग दिया है तो 55 मिनट यहाँ पे सही होगा, यानी कि ऐसे पूछेगा कुल, तो कुल 9 चौक 36 चार क्वार्टर होते हैं, 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 36 मिनट खो खो की समय सीमा होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था खो खो से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए, एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।